हेलो दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि THE को द कब पढ़ते हैं और THE को दी कब पढ़ते हैं? कई लोगों ने मुझसे पूछा है, मैं कई सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और मेरे कई स्टूडेंट्स ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि सर THE को द कब बोलते हैं और THE को दी कब बोलते हैं। और फिर मैं उनको बताता हूँ कि THE को द कब बोलते हैं और कब उसको दी कब बोलते हैं। तो मैंने क्यों ना आपको भी बता दिया जाए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही है कि THE को कब द बोलेंगे, कब दी बोलेंगे, प्रोनंसिएशन ऑफ THE का उच्चारण। तो दोस्तों, तीन चार सिचुएशंस हैं कि कब THE को द बोलेंगे, कब दी बोलेंगे। तो मैं आपको पहली सिचुएशन बताता हूँ। पहली सिचुएशन ये है कि THE को दी हमको तब पढ़ना चाहिए, THE को दी तब पढ़ना चाहिए जब ये किसी ऐसे वर्ड से के पहले यूज़ हुआ हो जो एक वाउल से स्टार्ट हो रहा हो, वाउल से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विद अ वाउल। दोस्तों, जिसको हम वाउल बोलते हैं उसका असली प्रोनंसिएशन होता है वाउल, वा ऊ आधा अ और ल, वाउल। खैर, जो भी हो, हमको तो रूल सीखना है। तो अगर कोई वर्ड एक वाउल से शुरू हो रहा हो, यानी कि वाउल से शुरू हो रहा हो, उसके पहले THE हो तो उसको दी पढ़ना चाहिए। कैसे? जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा है मैंने, द एलिफेंट। एलिफेंट का ई एक वाउल है, एलिफेंट का ई एक वाउल है, उसके पहले THE है तो इसको दी पढ़ा जाएगा। यहाँ पर तो हम पढ़ेंगे दी एलिफेंट, द एलिफेंट नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे ही यहाँ एंट, चींटी, ए से शुरू हो रहा है, ए एक एक वाउल है, इसके पहले अगर THE है तो इसको भी हम दी पढ़ेंगे, दी एंट, दी एलिफेंट, ऐसे हमको पढ़ना चाहिए। तो ये था दोस्तों रूल नंबर वन कि अगर कोई भी वर्ड किसी वाउल से शुरू हो रहा हो, उसके पहले THE हो तो हमको उस THE को दी पढ़ना चाहिए। रूल नंबर टू, दूसरा रूल दोस्तों ये है कि अगर कोई भी वर्ड एक कॉन्सनेंट से शुरू हो रहा हो, नॉर्मल कॉन्सनेंट से शुरू हो रहा हो, उसके पहले THE हो तो हमको उसको द पढ़ना चाहिए। कैसे? जैसे यहाँ मैंने पहले डेफिनेशन लिखी है कि बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विद अ कॉन्सनेंट, कॉन्सनेंट के पहले, जैसे द टेबल, द बुक। टेबल का टी एक कॉन्सनेंट है, बुक का बी एक कॉन्सनेंट है, तो टेबल के पहले या बुक के पहले THE यूज़ किया तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा द। तो दो रूल अभी तक हमने सीखे कि अगर कोई वर्ड किसी वाउल से शुरू हो रहा हो, उसके पहले THE हो तो उसको दी पढ़ना चाहिए। अगर कोई वर्ड किसी कॉन्सनेंट से स्टार्ट हो रहा हो, उसके पहले THE हो तो उसको द पढ़ना चाहिए। अब हम आते हैं तीसरे रूल पे। तीसरा रूल दोस्तों ये कहता है कि बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विद अ कॉन्सनेंट विच इज स्ट्रेस्ड, यानी कि तीसरा रूल ये कह रहा है कि कोई वर्ड अगर कॉन्सनेंट से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर उस कॉन्सनेंट पर आप स्ट्रेस डाल रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, यानी जोर दे के किसी बात को कह रहे हैं कि, तो उसके पहले अगर THE हो तो उसको दी पढ़ना चाहिए। कैसे? जैसे एग्जाम्पल तो वही है, जैसे दी मैन या दी फोन, तो ये यूज़ कैसे होता है? जैसे अगर आप किसी के बारे में बताना चाह रहे हैं कि यही वो आदमी है जिससे कल मेरी लड़ाई हुई थी, अब आप उस आदमी पर स्ट्रेस डाल रहे हैं, जोर दे के इस बात को बता रहे हैं, तो हमको बोलना चाहिए दिस इज दी मैन With whom I had a fight yesterday, यही वो आदमी है जिससे कल मेरी लड़ाई हुई थी, या यही वो फोन है जो मेरे अंकल ने कैनाडा से भेजा है मेरे लिए, दिस इज दी फोन विच माई अंकल हैज सेंट फॉर मी फ्रॉम कैनाडा। तो अगर इस तरीके से स्ट्रेस दे के, जोर दे के आपको किसी बात को कहना हो, किसी वर्ड पर जोर देना है, और अगर वो वर्ड कॉन्सनेंट से भी स्टार्ट हो रहा है और अगर उसके पहले THE है तो भी उसको दी ही पढ़ेंगे। तो ये था रूल नंबर थ्री। अब दोस्तों सीखते हैं रूल नंबर फोर। तो अगर कोई भी वर्ड सुपरलेटिव डिग्री में है, एडजेक्टिव अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री में है, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब जैसे हम नहीं बोलते बेस्ट, फास्टेस्ट, बिगेस्ट, स्लोवेस्ट, इस तरीके से अगर कोई भी एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में है जिसमें EST लगा हो, उसके पहले अगर THE आप लिखेंगे तो उसको भी आपको दी पढ़ना चाहिए। यही लिखा है मैंने, बिफोर एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्री, कि अगर कोई एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में है और उसके पहले THE का इस्तेमाल हुआ है तो उसको भी दी पढ़ना चाहिए। कैसे? मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है दी फास्टेस्ट, दी बिगेस्ट। जैसे आप बोल सकते हैं ही इज दी फास्टेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल, कि वो मेरे स्कूल में सबसे तेज दौड़ने वाला स्टूडेंट है। या हम बोल सकते हैं दिस इज दी बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ मुंबई, कि ये मुंबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, तो दी बिगेस्ट, दी फास्टेस्ट। तो दोस्तों ये रूल हमने सीखे कि कब कब हमको THE को द पढ़ना चाहिए और कब दी पढ़ना चाहिए। मैं एक रिकैप कर देता हूँ आपके लिए कि अगर कोई भी वर्ड एक वाउल से शुरू हो रहा है, उसके पहले आप THE का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसको दी पढ़ना चाहिए।
अगर कोई वर्ड एक कॉन्सनेंट से स्टार्ट हो रहा है उसके पहले डी एच ई है, टी एच ई है, तो उसको हमको दी पढ़ना, द पढ़ना चाहिए। और अगर कोई ऐसा वर्ड है जो कॉन्सनेंट से स्टार्ट हो रहा है और उस पर स्ट्रेस जोर दे रहे हैं आप, तो भी आपको उसको दी पढ़ना चाहिए। और अगर कोई वर्ड कोई एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में है उसके पहले टी एच ई है, तो उसको भी हमको दी पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज ये द और दी की पहेली सुलझ गई होगी और आप आसानी से इसका करेक्ट प्रोनंसिएशन कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक बेल आइकॉन नज़र आएगा, उसको क्लिक कर देंगे तो मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन खुद ब खुद आ जाएगी। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड्स को भी ये जानकारी मिलेगी और वो भी और भी अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा साथ दिया इतनी देर। अगले वीडियो में मैं आपको फिर एक नई बात बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।